जब इजराइल ने अमेरिकी नेवल शिप पर फाइटर जेट और मोटर टॉरपीडो से हमला किया। इस हमले में 34 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए जबकि 170 के करीब घायल हो गए और पूरा शिप बर्बाद हो गया। ये बात 8 जून 1967 को सिक्स डे वार के दौरान की है। अमेरिकी जासूसी जहाज यूएसएस लिबर्टी सेनाई प्रायद्वीप के उत्तर में इंटरनेशनल वाटर के एरिया में था, जो मिस्र के आरिस शहर से 47 किलोमीटर दूर था। क्योंकि ये जंग का वक्त था, इसलिए इजराइल ने इसे गलती से मिस्र का जहाज समझकर हमला कर दिया। हालांकि जिंदा बचे लोग और जानकारों का मानना था कि इजराइल ने यह हमला जानबूझकर किया था, क्योंकि अमेरिका ने स्वेज नहर मामले में मिस्र का साथ दिया था।